सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म 102 नोट आउट को लेकर खबरों में हैं। इस फिल्म में वो 102 साल के शख्स का किरदार निभा रहे हैं। तो फिल्म में उनका 75 साल का एक बेटा है जिसका किरदार निभाया है एक्टर ऋषि कपूर ने। बता दें कि फिल्म में उनकी एक्टिंग को हर कोई पसंद कर रहा है। हमेशा की तरह ही अमिताभ ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की है। तो बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने फिल्म के कई किस्से शेयर किए हैं, जिसमें एक किस्सा ये था कि फिल्म का एक सीन था जिसमें चिंटू को अमिताभ के कान में कुछ बोल कर जाना था, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया और अमिताभ जो अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं उनके कान में चिंटू ने कुछ बोला और सीन को कंप्लीट करने के बाद कट बोला गया, जिसके बाद हर कोई सेट से उठ गया लेकिन अमिताभ नहीं उठे। सीन कट होने के बाद भी जब उनमें कोई हलचल नहीं हुई तो सेट पर मौजूद हर इंसान डर गया, लेकिन जब उनको उठाया गया तो उन्होंने कहा कि उनको सच में बहुत तेज नींद आ रही थी और उनकी आंख लग गई थी। बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि वो किसी भी किरदार में पूरी तरह से घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ फिल्म के सेट पर ऐसा हादसा भी हो चुका है। वेल दोस्तों, पिछले कुछ समय से ये खबरें लगातार ही आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अपनी तबीयत को लेकर वो काफी समय से ही खबरों में लगातार बने हुए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट।